हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज तो मेरा वीडियो का जो टाइटल है उससे तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो क्या लेके होने वाली है। हाँ, इट्स ऑल अबाउट माय बैग कलेक्शन, बट हाँ, यही अल्टीमेट बैग कलेक्शन नहीं है मेरा। इसका जस्ट ऐसे इज अ नॉर्मल काइंड ऑफ वीडियो जिसमें मैं सिर्फ ऐसे टाइप के बैग दिखाने जा रही हूँ जो मेरे पास बिलो 200 के हैं, एंड कुछ लोकल मार्केट से भी हैं, कुछ बाहर से भी मैं खरीदी हूँ। तो मैं जैसे जैसे बैग्स को दिखाती जाऊँगी वैसे आप लोगों को बोलती जाऊँगी कहाँ से मैं ली हूँ। एंड ओके, ज़्यादा लेट ना करके स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको 100 रुपीज़ में से मुझे जो भी बैग्स मिले हैं मैं पहले वो दिखाती हूँ। तो नंबर वन टू बोल के क्या फ़ायदा है भाई, बहुत सारे बैग्स हैं, मैं कभी मतलब काउंटिंग ही भूल जाऊँगी, क्या ज़रूरत है, छोड़ो। ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। तो पहला बैग मैं ये दिखाऊंगी, इट्स अ मल्टी कलर का बैग एंड दिस इज़ वेरी प्रिटी। अच्छा, और एक बात बोल देती हूँ, कभी कभी हो सकता है कि मैं इधर देखूंगी, दो कैमरा का आई फोकस इधर है, बट फ्रंट कैमरा से मैं वीडियो बना रही हूँ तो कभी कभी मेरा शिफ्ट हो जा रहा है। एंड एज़ अभी नई हूँ यूट्यूब में, तो नया चैनल खोली हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊँगी, कंस्ट्रक्ट कर दीजिए इतना। एंड हाँ, बींग अ बंगाली, थोड़ा बहुत मेरा हिंदी में प्रॉब्लम हो जा रहा है प्रोनाउंसिएशन में, दो पहले अच्छा बोल लेती थी बट अभी थोड़ा मतलब प्रैक्टिस नहीं है, उतना हैबिट नहीं है, धीरे धीरे वो भी ठीक कर लूँगी, तो कोई बात नहीं है। सो दिस इज़ द बैग, एंड ये एकदम छोटा टाइप का बैग नहीं है, ये नो डाउट स्पेशियस है। इसमें एक मोबाइल फ़ोन आ जाती है, मेरे लिपस्टिक्स आ जाते हैं, मेरे कंघी आ जाते हैं, तो नो डाउट वेरी स्पेशियस। अंदर में इसका ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा नॉर्मल कपड़ा से ये बंधा हुआ है। एंड इसका जो स्ट्रिंग है ये मल्टी कलर में है, एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं मतलब ऐसे टाइप के ड्रेसेस के साथ, ये जैसे पलाजो है एंड ये नॉर्मल टॉप है, तो ऐसे सॉलिड कलर के टॉप एंड ऐसे प्रिंटेड पलाजो या स्कर्ट्स हो जाए उसके साथ ये सब अच्छा लगता है, बट दो मैं ऐसा बैग इस ड्रेस के साथ नहीं पहनती हूँ, मतलब कैरी नहीं करती हूँ। ये भी 100 का बैग है, इट्स कॉटन मटेरियल का है फुल, एंड इसका ये चीज़ है मतलब ऐसा श्रिंक हो जाता है ये चीज़, एंड इट्स लुक वेरी गुड। हाँ, ऐसा टाइप का बैग हम लोग ले ही सकते हैं, कैरी कर सकते हैं ऐसे इस ड्रेस के साथ, बट मैं लेटर ऑन बाद में दिखाऊंगी कि मैं इसके साथ क्या लेना प्रेफर करूंगी, अभी फ़िलहाल यही है। तो ये भी 100 रुपीज़ का ही है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये सब मुझे 100 रुपीज़ में मिली है। तो ये क्या दूसरा, इसे भी मैं हटा देती हूँ। इसके बाद जो बैग आ रहा है, इट्स ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट काइंड ऑफ अ बैग जो सीक्वेंस वर्क में है, एंड ये है बैग, ये हैंडल है उसका, ये बेसिकली वो कॉटन जीन्स का जो कपड़ा होता है ना वैसा टाइप का इसका मटेरियल है, एंड ये सीक्वेंस वर्क किया हुआ है। होप यू गाइस कैन सी द ब्लिंक, ये दिख रहा है, लाइट प्रॉपर है ना, होप सो, पता भी नहीं चलेगा आप लोग अगर बोलोगे नहीं तो। एनीवेज, तो ये एक है सेम पैटर्न का और एक बैग है, बर्गेंडी मैरून, हाँ बर्गेंडी बोल सकते हैं इसको, सेम ये भी ब्लिंक वाला है, थोड़ा सा काम में डिफरेंस है इसका, ऐसा फ्लावर मोटिव किया हुआ है इसके अंदर, एंड इसका ऐसे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस में है, बट बोथ आर प्रिटी, एंड इसका कपड़ा थोड़ा सॉफ्ट है कंपैरेटिवली इसके, तो ये साड़ीज़ के साथ अच्छा जाती है, या फिर कोई भी सॉलिड कलर का कुर्ती पहन लिया, ज़्यादा मतलब काम छाम नहीं किया हुआ है वैसा टाइप का, तो गॉर्जियस एज बैग इटसेल्फ बहुत गॉर्जियस है, तो ड्रेस अगर हल्का ही रहे ऐसा तो ठीक है। तो ये दोनों बैग गए, ये भी ये एक्चुअली सॉरी ये 120 के हैं, मैं गलत बोलने आई थी, ये 100 के नहीं है, ये 120 के हैं, ये दोनों आउट ऑफ 120, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद आ रही हूँ, इसके बाद जो बैग मैं दिखाने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, एंड आप में से कईयों के पास ये बैग होगा आई एम फॉर श्योर। एंड ये है, ऐसा है ये बैग, इसका जो हैंडल है ये ऐसे, ये भी बीट्स का काम किया हुआ है इसका, इट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, एंड ये छोटे मोटे पार्टीज में आराम से लेके जा ही सकते हैं,
बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है ये बैंक, एंड बट कॉमन भी है, ऐसा सिल्वर में भी आता है, गोल्डन में भी आता है, मैं ये ऐसा ब्लैक टाइप में प्रेफर की, बिकॉज ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर। चलिए ओके, नाउ मैं आपको कुछ स्लिंग बैग दिखा देती हूँ अपनी। ओके, स्लिंग बैग्स में भी ये वाला एक तो है जो 100 का मुझे मिला है, एंड ये वाइट में है, हाँ काम समझ में आ रहा है, वाइट में है, ये भी स्पेशियस है, एंड इसका एक चेन दिया हुआ है अंदर लाइक दिस, तो बहुत ज़्यादा क्लासी दिखता है ये, सी बहुत ज़्यादा क्लासी दिखता है, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत मतलब कहते हैं ग्रेशियस टाइप का वैसा है, एंड ये चेन के वजह से ये मतलब थोड़ी अलग ही लग रही है, एंड ये 100 रुपीज़ का बैग, मैं जितने जन को बोली हूँ कि मैं ये 100 रुपीज़ में ख़रीदी हूँ, भाई कोई विश्वास नहीं करता है कि दिस इज़ 100 रुपीज़ का बैग। चलिए स्लिंग बैग में ये पहला वाला हुआ, नेक्स्ट जो है वो बहुत सिंपल है, एकदम कैजुअल टाइप का स्लिंग बैग है, ऐसा नीचे ऐसा ये किया हुआ है, लेदर का स्ट्रैप्स है, कट वॉक, एंड ये इसका बेल्ट है, नहीं ऐसा दिखता है बैग, ये यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं, एंड चलिए इसके बाद और एक तो है, ये भी बहुत सिंपल है, एक तो ये बैग है, उतना बुरा नहीं है बट इट्स वेरी सिंपल, बहुत प्लेन है बट फाइन, कभी कभार कुछ ड्रेसेस के साथ ये ऐसे बैग्स भी ज़रूरत पड़ते हैं, चाहिए होता है ना। इसके बाद नेक्स्ट और दो बैग्स मैं दिखाऊंगी, वो अभी तक मैं कैरी नहीं की हूँ इसलिए उसका अभी तक टैग खुला नहीं है, ये देखिए ये टैग्स हैं, तो ये ब्लैक में मैं ली हूँ, एंड इसका ये फ्लोरल काम है, अगेन इसका ऐसा ब्लैक बेल्ट में है, एंड दिस लुक्स वेरी नाइस, एंड ये भी स्पेशियस है नो डाउट। अगेन जो दूसरा वाला बैग मैं अभी तक यूज़ नहीं की हूँ उसका भी टैग नहीं उतरा है, एंड इट्स वेरी पीची काइंड ऑफ अ शेड, एंड बहुत अच्छा है, बहुत फेवरेट है, मतलब पसंद ज़्यादा है इसलिए अभी तक मैं इसको यूज़ नहीं की हूँ, बट करूँगी इवेंचुअली, मैं जल्दी से कर लूँगी, कोई बात नहीं है। तो हाँ, ये बैग ऐसा दिखता है, मैं उसको ऐसे भी पकड़ सकती हूँ, एंड ओ सॉरी, हाँ मैं तो पहले मेंशन कर दी थी, वो सारे 200 के हैं, एंड ये भी 200 का बैग है, ये बैग मैं ऐसे भी कैरी कर सकती हूँ, इसका शेड बहुत पसंद है मुझे, पीछे ऐसे चेन दिया हुआ है, पॉकेट है, एंड मैं चाहूँगी तो ये वाला जो इसका हैंडल दिया हुआ है इसको मैं यहाँ पे रख भी सकती हूँ, अंदर घुसा के ऐसे भी कैरी कर सकती हूँ, एंड ऐसे भी ले सकती हूँ, एंड ये भी आप देख रहे हैं नो डाउट बहुत ही अच्छा साइज का है, इसके जो चेन्स है गोल्डन, इसका कलर भी अच्छा है बहुत, ऑल ओवर दिस बैग इज माय वन ऑफ माय फेवरेट। तो चलिए नेक्स्ट बैग, सच में यार 200 का ही है, मान लो 200 का ही है, अभी मैं छोटे छोटे क्लचेस दिखा रही हूँ, एक्चुअली वो पर्सेस ही बोलूँगी मैं, प्रॉपर सब क्लचेस नहीं है, कुछ पर्सेस मैक्सिमम मैं पर्स ही बोलूँगी छोटा छोटा। तो सबसे पहले मैं अपना फेवरेट कलर ब्लैक से स्टार्ट करती हूँ, तो बहुत सिंपल है ऐसा वाला, एंड ये एक ऐसा काम किया हुआ है सामने, थोड़ा सा एक स्टोन वर्क एंड मेटल है, सिंपल बैग है जैसा होता है नॉर्मली, 100 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट जो बैग मैं दिखाऊंगी वो इन जनरल बहुत ड्रेसेस के साथ जाती है, स्पेशली मैं अगर मैं सिंगल वन पीस टाइप के ड्रेसेस पहन लूँ तब भी ये पर्स कैरी कर सकती हूँ, जीन्स के साथ भी अच्छा लगता है क्योंकि ये डेनिम कपड़ा से बना हुआ है, एंड ये वाला स्टोन का जो वर्क है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, सिंपल है बट ओके फाइन, मुझे ऐसा सिंपल चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो सिंपली ऐसे टाइप के बैग्स बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं, एंड बहुत सारे ड्रेसेस के साथ ही अच्छी लगती है, तो ये डेनिम के हैं बैग्स, एंड ऐसे बैग्स अगर आपको मिले तो डेफिनेटली पिक कर लीजिएगा, एंड ये भी आउट ऑफ 100, एंड ये बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब मेरा टैब यहाँ पे घुस जाता है फुल, लाइक इतना है,
ओके चलिए अब नेक्स्ट बैग जो है पिंक शेड में, पेस्टल पिंक में है, बेबी पिंक का ही शेड है बट हाँ दिस आर ऑल पेस्टल शेड्स। इसी के साथ साथ मैं और एक पिंक भी दिखाऊंगी, ये वाला, ये हॉट पिंक में है। एंड ये बेबी पिंक में है। एंड सामने यहाँ पे एक पर्ल वॉक है जिससे ये बैग बहुत ज़्यादा मतलब फुल ऑफ ग्रेस है ये बैग। एंड अच्छा है भाई, मतलब बहुत दिन से यूज़ हो रहा है ये इस बैग का। तो ये दोनों बैग मैं साथ ही ली थी पिंक के दोनों शेड्स से, तो मुझे ये दोनों ही 100 के आए थे एंड इन दोनों का नियर अबाउट 2.5 ईयर्स एज हो गया है मेरे पास। अब पता नहीं दुकानदार के पास कितने साल से था बट मेरे पास ये 2.5 ईयर्स हो चुके हैं। एंड प्रिटी पिंक बैग्स तो सबके पास होने चाहिए, फीमेल्स के पास तो होनी ही, मतलब कॉलेज गर्ल्स के पास तो होना ही चाहिए, बैग्स ऑफ पर्सेस तो फीमेल के पास ही होंगे मैंने कहा। नेक्स्ट है ये रेड एंड ब्लैक कॉन्ट्रास्ट में ब्लैक, देखिए कलर ऐसा ही है, एक्चुअली में कलर ऐसा है, एकदम प्रॉपर रेड कलर है एंड नीचे ऐसे ब्लैक में है। इसके भी ये थोड़ा सा छोटा बैग है, मतलब मैं जब वो बड़े बैग्स कैरी करती हूँ तब उसके अंदर ये छोटा बैग में घुसा देती हूँ ताकि वो मोबाइल फ़ोन्स पैसे एक साथ मतलब मिल जुल ना जाए, इस बैग में रख देती हूँ तो ऐसा बैग निकालने में भी अच्छा लगता है, लोग देखते हैं दैट्स ऑल। तो बस एक छोटा सा बैग है ब्लैक रेड में, दिस इज ऑल्सो वेरी ब्राइट, वन ऑफ माई फेवरेट एंड अगेन 100 रुपीज़ में। अभी पिंक हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया एंड नाउ बारी है ग्रीन की। दिस इज़ अ वेरी प्रिटी काइंड ऑफ अ ग्रीन, ये कैमरे में शायद नियॉन ग्रीन लग रही है बट इसको वो इट्स अ लाइट शेड ऑफ ग्रीन, कैमरे में थोड़ी सी ब्राइट आ रही है, ऐसी है। एंड ऐसे टाइप के बैग लुक वेरी क्लासी एंड ऐसी इसकी ओपनिंग है, यहाँ पे बॉल्स हैं, यहाँ दो लॉक, मतलब लॉकिंग का स्टाइल यहाँ पे ऐसे बॉल है एंड इसको ऐसे करके टक कर देने से ये बंद हो जाती है। एंड ऐसे टाइप्स के भी ग्रीन टाइप के आपके ऐसे सिंपल में, ज़्यादा डिज़ाइन हो वैसे टाइप के बैग मत कलेक्ट कीजिएगा, ऐसे नॉर्मल अगर ग्रीन में आपको बैग्स मिले डेफिनेटली इसको ले लीजिएगा। नेक्स्ट है कि बड़ा सा पर्स है ये जिसमें रोम जो भी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, आईफिल टावर, ये सारे थोड़े थोड़े करके इमेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। एंड इसका जो लॉकिंग सिस्टम है ये ऐसा है, यहाँ से ऐसे करके खुलता है एंड ये चेन है, इतने सारे यहाँ पे 4 कंपार्टमेंट्स हैं, 4 एंड अब हो गया बंद, इसको घुमा दिए, अब ऐसे ये हो गया लॉक। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड काइंड ऑफ अ बैग, आराम से इसको हम लोग कैरी कर ही सकते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रिंट के बैग्स एक दो साल पहले बहुत ज़्यादा फैशन में इन थे, ऐसे टाइप के बड़े बैग्स भी आते थे, तो मेरे पास भी ये 2 साल हो चुका है बट स्टिल इट्स न्यू, सच में ये नया है। एंड ये भी मुझे 150 का मिला है। यहाँ पे अभी तक मैं जितने सारे बैग्स दिखाई हूँ वो 2 सीक्वेंस वाले जो बैग थे वो 120 के थे एंड बाकी अभी के जितने सारे बैग्स दिखाई मैं वो सारे थे 100 के, फिर से उधर के भी 100 थे, ये वाला आ गया मेरा 150 का, ये थोड़ा प्राइस बढ़ गया इसका। ये भी पर्स जो है ये एकदम जूट मटेरियल का बना है एंड ये साड़ी वाड़ी के साथ अच्छा लगता है, सलवार के साथ भी कुछ कुछ अच्छा लगता है, तो ये जूट मटेरियल का बना है, इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ बैग। ये मैं ली थी दीघा से एंड वेट, मैंने आप लोगों को कुछ वो प्लेसेस के बारे में नहीं बताया ना, मैं भूल गई एकदम, वेरी सॉरी। तो दिस इज़ द बैग, ये मैं दीघा से ली हूँ, मैं बता रही हूँ कहाँ कहाँ से ली हूँ। ये वाला बैग मेरा दीघा से लिया हुआ है, ये वाला भी मैं और मेरे हस्बैंड जब गए थे दीघा पे तो वहाँ से लिए थे, ये दोनों बैग्स दीघा के हैं एंड ये दोनों बैग्स थी दीघा की। अब ये मैं ली थी पूरी से, उड़ीसा जब घूमने गई थी पूरी से, तो ये सेम टाइप के ही बैग्स हैं, थोड़े डिफरेंट डिज़ाइन के हैं बट इसका जो काम है वो
सेम सेम है, नियर अबाउट, मतलब लुक अलाइक। तो ये तीनों बैग कॉम्बो में थी एंड गेस व्हाट, ये तीनों बैग मैंने कितने में उठा उठाई हूँ, ये तीनों बैग मुझे कॉम्बो में 400 में मिले एंड आई गेस डिवाइडेड बाई थ्री वही 130 or 133 समथिंग, ऐसा कुछ वही 133 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, रिकरिंग में आएगा विजिट, तो वो उतने में मैं ली हूँ एंड दिखाती हूँ। ये बैग ऐसे खुलता है एंड ये एक ही वन साइडेड हैंडल है, जैसे ये बंद हो जाता है तो ये पूरा बंद हो जाता है, तो पूरा कैरी कर सकते हैं। ये हो गया, ये वाला नॉर्मल पर्स है जिसमें दो कंपार्टमेंट्स हैं ऐसे, वन एंड ये गया टू, तो ये हो गया एक पर्स। एंड ये वाला जो मिला है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसमें एक ऐसा चेन पैटर्न का दिया हुआ है एंड इसमें आई गॉट द चेन एंड सी कितना अच्छा है साड़ी के साथ, ये मस्ट है, ये साड़ी के साथ ही अच्छा लगता है ये चेन। हो गया अभी अनदर बैग फ्रॉम पूरी इज दिस बैग, मिरर वर्क वाली, ब्लैक में है, ब्लैक एंड गोल्डन में, एंड ये मेरी बहुत फेवरेट है। दो ये बैक साइड ऑफ द बैग है एंड ये है फ्रंट साइड, तो ऐसे ओपनिंग है एंड इसमें भी एक ऐसा बीट वाला हैंडल दिया हुआ है बट मतलब पकड़ने वाला, बट ये बहुत ज़्यादा मतलब हल्की टाइप की है तो मैं अब यूज़ नहीं करती, ये बैग के अंदर ही घुसा रहता है, आई डोंट यूज़ दिस। हाँ नॉर्मली ऐसे करके मैं इसको कैरी कर लेती हूँ, तो ये बैग्स भी हो सकता है आप में से किसी के पास हैं, तो मिरर वर्क वाले जो बैग होते हैं वो सबके पास होना ही चाहिए, अदरवाइज मतलब होता है ना कि पार्टी में क्या लेके जाए, तो ये एक बैग लेके अगर निकलोगे तो बहुत ज़्यादा ये गॉर्जियसनेस ऐड कर देती है। तो वन ऑफ माई फेवरेट बैग विच आई गॉट फ्रॉम पूरी एंड दिस वन इज़ फॉर 250 रुपीज़, थोड़े प्राइसेस अब आ रहे हैं अभी, मैक्सिमम क्या मैं 100 दिखाई, तो अभी तक मैं सारे 100 के दिखाई हूँ, फिर आ गया 120 का, फिर आ गया 150 का, फिर मैं 400 का तीन कॉम्बो दिखाई, जो पर हेड आ रहा है एक एक बैग का 133 करके ऐसा, एंड अनदर ये थोड़ा आया 250 का, दो ये 350 बोल रहा था तो मैं उसको बार्गेन करके 250 में लेके आई हूँ। नेक्स्ट बैग ये थोड़ा ज़्यादा यूज़ हुआ है मुझसे, तो थोड़ा हल्का पुराना हो चुका है, पता नहीं मतलब उतना भी समझ में नहीं आता है, बट हाँ ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ की हूँ शादी पार्टी में, क्योंकि पहले उतना साड़ी पहनना नहीं होता था तो ऐसे टाइप के गॉर्जियस बैग्स के कलेक्शन मेरे पास थे भी नहीं, तो ऐसे बैग्स बहुत लिमिटेड है मेरे पास, बट अभी हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम एंड ये भी मुझे 150 का मिला है एंड ये मैं हमारे यहाँ पे लोकल एक मेला होता है बहुत अच्छा सा, वहाँ से मैं ली थी। ओके नाउ नियर अबाउट मेरे जितने सारे छोटे 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 बैग्स थे वो मैंने दिखा दिए, और भी है कुछ वो कभी और मैं दिखाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ वैसे सामने मेरे अभी तीन बैग्स हैं जो बड़े वाले बैग्स होते हैं हैंडल वाले, तो मैं वो सोचूं दिखा देती हूँ, अभी सामने ही है एंड ऐसे बैग्स होने भी चाहिए आपके पास। तो फर्स्ट बैग ये है ब्लैक वाला, ये मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड मुझे गिफ्ट की थी मेरे बर्थडे पे, एज शी नोज़ माय फेवरेट कलर इज़ ब्लैक, तो बहुत ज़्यादा पसंद है एंड बहुत यूज़ किया है मैंने इसको एंड इसका ये चेन वाला चीज़ बहुत अच्छा है एंड बैग का मटेरियल भी बहुत अच्छा है। ये 3 साल हो गए मुझे ये बैग एंड आई लव दिस सो मच, मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड ने दिया है, बैंगलोर में रहती है अभी। नेक्स्ट एकदम पार्टी लाइक बैग, मतलब अभी आपका मतलब हो सकता है आँख में कुछ फोकस आ जाए, टैन टैन ब्लिंक ब्लिंक ब्लिंक, तो ये एक बैग है, ये भी मैं दीघा से खरीदी थी एंड एकदम पार्टी लाइक बैग है, फुल ब्लिंकी ब्लिंकी एंड बहुत बड़ा बैग है, नो डाउट स्पेशियस आप देख सकते हो, एंड इसके जो हैंडल्स हैं ना ये वाले, ये थोड़े बड़े थे तो मैं इसको स्टिच करके यहाँ पे छोटा कर दी हूँ,
तो मैं जब इसको कैरी करती हूँ तो ये इतना लेंथ तक आती है, लाइक दिस। नहीं तो ये बहुत बड़ा लग रहा था, मीन्स वो नॉर्मल ये क्लासी बैग से वो सब्जी मार्केट करने वाला बैग लग गया था। तो ये है, और एक तो है ये वाला, मैं ऑनलाइन नहीं हूँ एंड एज मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर रही हूँ तो राइटिंग उल्टा आएगा, दो मैं इसका पिक्चर बाद में दे रही हूँ आपको वीडियो के एंड में। तो दिस इज़ द बैग, पिंक रिटर्न एंड ये पिंक भी सीक्वेंस वर्क में है एंड ये बैग भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मैं ढक गई हूँ इस बैग में एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है एंड इसका बैक साइड ऐसा है ग्रे कलर में एंड इसके जो स्ट्रैप्स हैं वो सिल्वर में हैं ऐसा एंड बहुत ज़्यादा स्पेशियस है एंड सबसे ज़्यादा बैग मैं ये वाला कैरी करती हूँ। मतलब मैं इस ड्रेस के साथ भी अगर मुझे कुछ लेना है जल्दी जल्दी में, बहुत सारा शॉपिंग करना है, तो मैं इसी बैग को कैरी करूँगी एंड इट्स लुक वेरी क्लासी, बहुत अच्छा लगता है ये वाला बैग। चलिए, ओह सॉरी, और एक लास्ट 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 एंड लास्ट वाला मैं पर्स में दिखाना भूल गई थी, वो नीचे दब गया था। तो वो ये वाला एक क्लच बैग है जिसमें एप्पल का एक छोटा सा लोगो है एंड ये कंपार्टमेंट है जिसमें अभी थोड़े बहुत पैसे हैं एंड ये डार्क ब्राउन कलर में है एंड ये भी बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, बहुत सारी ड्रेसेस के साथ मैं कैरी कर सकती हूँ। इनफैक्ट इस ड्रेस के साथ भी मैं इस बैग को आराम से लेके जा सकती हूँ, मतलब इस पर्स को। एंड या इतना तक मेरा था बैग का कलेक्शन एंड होप आपको पसंद आया होगा। इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल काइंड ऑफ अ सी थ्रू दैट क्या है क्या नहीं है एंड सबसे मेन चीज़ है कितने सस्ते में मेरे पास बैग्स हैं एंड कितने अच्छे अच्छे बैग्स हैं। मतलब हर कोई किसी, मतलब हर किसी बैग का मेरा 2 years एज तो हो ही गया, कन्फर्म है। एंड वही जो बोली दुकानदार के पास कितना दिन से पड़ा था आई डोंट नो, बट मेरे पास 2 साल से है, स्टिल अच्छा है, अभी भी अच्छा है एंड नो डाउट यूज़ की भी हूँ, बस वही दोनों बैग छोड़ के जिसमें वो टैग अभी तक कटा नहीं है, दैट्स ऑल। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, मैं आप लोगों को अगर पसंद आई हूँ तो डेफिनेटली वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिएगा एंड कमेंट डेफिनेटली कीजिए एंड धीरे धीरे मैं और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लाने का कोशिश करूँगी। अभी नहीं हूँ, थोड़ी बहुत वीडियोस में ट्राई कर रही हूँ, धीरे धीरे और ज़्यादा इन्हेंस करूँगी और ज़्यादा बेटर करूँगी। तो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, टाटा। ओके गाइस, तब मैं जो बैग आप लोगों को ठीक से दिखा नहीं पाई फ्रंट कैमरे की वजह से, तो बैक कैमरे से ये ऐसा दिखता है, ये पिंक राइटिंग में। और एक मज़े की बात मैं बताती हूँ, ये वाला जो बैग का पीछे वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये बेसिकली मुझसे कलर किया हुआ है, मैं इसको ऑनलाइन ऑर्डर की थी तो जब आपने शो किया था तो वो पूरा ब्लैक में था, ये पिंक रिटर्न वाला टर्म जो है वो ऐसा ही था एज इट इज़, बट वो प्रॉपर बैग था फुल ब्लैक में एंड स्ट्रैप्स ऐसे सिल्वर ही थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बट लोगों ने मुझे भेजा ऐसा जो मुझे एकदम पसंद नहीं आया, और ये ग्रे कलर के साथ तो ये वाला जो पिंक कलर का जो सीक्वेंस होता है वो एकदम सेम लग रहा था, पिंक मैटर तो समझ भी नहीं आ रहा था। तो मैंने इसको अलग से यहाँ पे कलर किया है फैब्रिक कलर से एंड ये सिल्वर ब्लैक कलर लेके छींटे मार मार के मैंने इस बैग को ऐसा बनाया है। बट सच बोलूँ तो कोई समझ ही नहीं पाता है कि ये मुझसे मतलब बना हुआ है, सब सोचते हैं कि ऐसे ही मार्केट में आया हुआ है, मतलब मार्केट में मुझे ऐसे ही मिला है एंड बस यही है, ये बैग का ओवरव्यू था।